सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। और अभी ऐसा हो रहा है कि कास्टिंग एजेंसी डायरेक्टली अप्रोचिंग मी इंस्टेड ऑफ मी गोइंग टू देम एंड बीइंग लाइक यार ऑडिशन दे दो, अब तो ऑडिशन ऑटोमेटिकली आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट चेंज आई वुड से। मेरी लाइफ में भी काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात, पहली जो मेरी जिंदगी थी वो बहुत नॉर्मल थी, जहाँ पर मैं बस ड्रीम करा करती थी कि यार कैमरा होना चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एंड आफ्टर स्प्लिट्स फिला बस यही चलता चला जा रहा है। ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, स्टोरी आगे करती जा रही थी, एंड सडनली देखा कि मैं और जशवंत उर्फी के पेज पे। फिर वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उनका बड़प्पन है। आई वुड नॉट कॉल इट कंटेंट क्रिएटर्स, आई वुड कॉल आवरसेल्फ्स एज पब्लिक फिगर्स, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अलग होता है एंड दे वर्क ऑन सोशल मीडिया। वी हैव बीन नोन थ्रू अ रियलिटी शो। पॉइंट पे मुझे ये समझ आ गया कि आप स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि हेट जब मिलता था तो मुझे ऐसा क्या फर्क पड़ता है, हेट ही तो मिल रहा है, मुझे जो करना है मैं करूंगी और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं अपने हिसाब से देखूंगी वो लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बोलेंगे और उनको जो सोचना है वो सोचते रहे। हेलो जशवंत एंड आकृति, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। फर्स्टली थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। स्प्लिट्स विला इज रोलिंग ऑन एयर, हम सब देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। फैंस के मेरे काफी सारे सवाल आ चुके हैं आप लोगों के लिए, बट बिफोर दैट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑफ माय ओन। स्प्लिट्स विला के पहले आपकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, एंड नाउ दैट द स्प्लिट्स विला इज गोइंग ऑन, क्या डिफरेंस आप लोग खुद देखते हो उसमें? वेल थैंक यू फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली आई वुड लाइक टू से कि स्प्लिट्स विला से पहले आई वाज नॉर्मल लाइफ, मुंबई एक्टर लाइफ, ऑडिशंस एंड यू नो गोइंग हियर गोइंग देयर, कभी कभी मैं डीएम करता हूँ कि ऑडिशन है क्या, एंड देन नॉर्मल लाइफ। लेकिन स्प्लिट्स विला के बाद लॉट ऑफ फैंस इन मुंबई, जिम जाता हूँ तो लोग पीछे आते हैं, जिसे बाहर आता हूँ लोग पीछे आ जाते हैं। और अभी ऐसा हो रहा है कि कास्टिंग एजेंसी डायरेक्टली अप्रोचिंग मी इंस्टेड ऑफ मी गोइंग टू देम एंड बीइंग लाइक यार ऑडिशन दे दो, अब तो ऑडिशन ऑटोमेटिकली आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट चेंज आई वुड से। मेरी लाइफ में भी काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात, पहली जो मेरी जिंदगी थी वो बहुत नॉर्मल थी, जहाँ पर मैं बस ड्रीम करा करती थी कि यार कैमरा होना चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एंड आफ्टर स्प्लिट्स फिला बस यही चलता चला जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जहाँ पर मैं पहले सोचती थी कि ये मेरा ड्रीम है और आज मैं उसी ड्रीम को जी रही हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और बहुत एडवेंचरस बोलूँ हो गया है पूरी लाइफ। शो तो अभी ऑन एयर हो रहा है, हाफ द वे इज़ देयर। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग आपके शो देखते हैं, इंडस्ट्री से फ्रेंड्स वगैरह जो बिलोंग करते हैं, ऐसा किसका एक वो अप्रिसिएटिव मैसेज था या एक अप्रिसिएशन पोस्ट था आप दोनों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल भी कह सकते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री? क्या क्वेश्चन है यार। उर्फी ने किया था हमारे लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, एंड सडनली मैं सुबह उठती हूँ और मैं उर्फी का ऐसे ही नॉर्मल, मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, स्टोरी आगे करती जा रही थी, एंड सडनली देखा कि मैं और जशवंत उर्फी के पेज पे। फिर वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि उनका बड़प्पन है कि वो हम लोग अभी छोटे क्रिएटर्स हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब हम लोगों ने स्प्लिट्स विला कर लिया, एंड वो जो पुश मिलता है एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतने टाइम से है, काफ़ी लोग जानते हैं, एंड सडनली मैं देखती हूँ कि उन्होंने हमारी स्टोरी डाली है और हम लोग को बूस्ट करिए, मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए, तो काफ़ी अच्छा लगा था। उर्फी मैम समथिंग स्मॉल एज अ स्टोरी वर्क्स, और फिर सन मैम सेइंग लाइक वी आर देयर फेवरेट कंटेस्टेंट्स हु लाइक स्प्लिट्स विला, शी लाइक जश इज क्वाइट क्यूट, लाइक यू रिमेंबर व्हाट यू सेड फॉर हिम। सबसे पहले नाम सनी मैम के मुंह पे जश का ही आता है, आई लाइक जशवंत। Oh, that's wonderful. Akriti, now that you mentioned content creators, I would have to ask you this. There is a debate which is going on these days on social media that being an influencer or a content creator has got you an easy way in the entertainment industry. What is your opinion? Very true. मतलब इसमें no doubt, मुझे ऐसा लगता है, because पहले क्या होता था, लोगों को टाइम लग जाता था म्यूजिक वीडियो के लिए, आज के इन्फ्लुएंसर्स को ही लिया जा रहा है, एंड देखा जाए कि कोई भी मूवी प्रमोशंस करवाने होते हैं वो क्रिएटर्स के पास आते हैं। नो डाउट, ऐसा नहीं कि मैं इंडस्ट्री को कुछ कह रही हूँ कि अब हम लोग बड़े हो गए या फिर वो छोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक ईजी वे आउट मिल गया इनको कि अब हमारे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो ईजिली हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, एंड लोग हम लोग को देखते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ईजिली चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं। इनका क्या कहना है? एंड ऑफ द डे अगर अच्छा काम करना है तो ऑडिशन करना है, तो ऐसा नहीं कि ईजी वे आउट मिला है। लेकिन आई वुड नॉट कॉल इट कंटेंट क्रिएटर्स, आई वुड कॉल आवरसेल्फ्स एज पब्लिक फिगर्स, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अलग होता है एंड दे वर्क ऑन सोशल मीडिया। वी हैव बीन नोन थ्रू अ रियलिटी शो, तो ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वंस वी अ पब्लिक फिगर थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज वी हैव अ फैन बेस, वी हैव अ फॉलोइंग, एंड ड्यू टू दैट इट बिकम्स ईजियर। बट कंटेंट क्रिएटर्स नो,
पब्लिक फिगर्स यस बिल्कुल वंडरफुली सेड दैट मैं भी शो फॉलो कर रही हूँ जितना मुझे टाइम मिल रहा है देख सकने का देयर इज दिस रील दैट आई सॉ व्हेन फैज़ू कम्स इन द शो एंड यूजुअली हम है ना सेलिब्रिटीज को देख के ऐसे स्टार स्ट्रक हो जाते हैं ऑल ऑफ दैट वाज दैट द स्टार स्ट्रक मोमेंट फॉर यू आर डेफिनेटली बिकॉज उससे एक रात पहले ही मैं अरबाज से नॉर्मली बात कर रही थी और मैंने अरबाज को बोला कि यार तेरे तो दोस्त है ना फैज़ू काश वो आता शो में एंड सडनली नेक्स्ट डे फैज़ू आ रहा है और आई एम लाइक कि ये क्या मतलब एग्जैक्टली और उस टाइम मैंने उसको बोला कि यार काश फैज़ू होता तो अच्छा लगता एंड सडनली नेक्स्ट डे फैज़ू आ जाता है एंड मैं जशवंत को देख के कूदने लगती हूँ कि फैज़ू आ गया और फिर मैंने बोला कि बस जाते जाते एक हग मिल जाए बिकॉज मेरा भी एक फैम मोमेंट था मतलब आप जिसको मतलब देखते हो टीवी पे एकदम से सडनली आपके सामने आ जाए तो मेरे लिए वो फैन मोमेंट आप किसको देख के स्टार स्ट्रक होंगे नॉट नेसेसरीली बॉलीवुड में हॉलीवुड में हुए वो किसको देख के हो सकता है My role model is Hrithik Roshan. Yeah, so if I see him, I'll be starstruck for sure. SN, I have this thing that I will not go and ask anybody for selfie. Okay? It's not my thing. Even if I shoot with any actors, or I will not ask. Because I have this thing that I will not go I'd be happy, I'll talk to him, but I won't ask. But if I see Hrithik Roshan or, you know, him, I'll talk to him. Bro, he's my role model, so I would say. Wonderful. I hope you get to meet him soon, if you have. Fingers crossed. Before I get to the fans question, one last question. Social media में प्यार जितना मिलता है उतनी hatred भी मिलती है. There are keyboard warriors जिनके faceless names होते हैं and they believe in trolling. But necessarily आप लोग हमेशा वो side अपने social media पर नहीं दिखाते हो आपका vulnerable side जो होता है और जो mentally affect होता है उस चीज से. I want you guys to tell me what is your mantra कि कभी कभी कोई comment पढ़ के अगर disturb हो गए तो how do you deal with that? Because I think you have received the really bad end of it. Yes. तो starting में काफी hate मिल रहा था मुझे जो कि I mean मैं कैसे बोलूँ कि मुझसे tolerate नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं भी एकदम से नई नई आई हूँ industry में and मुझे नहीं पता कैसे handle करनी है सारी चीज़ें मैं भी छोटी हूँ ठीक है मेरे parents भी मुझे समझाते हैं कि आकृति इन सारी चीज़ों में ध्यान मत दो काम पे focus करो जो कि मैं सुनती हूँ बट नहीं हो पाता है जब आप सुबह फ़ोन खोलते हो और वहाँ पर आपको hate मिल रहा होता है वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी किसी को भी इफ़ेक्ट करेगी इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं कुछ भी करो सब ठीक हो जाएगा सब चिल करो इग्नोर करते हैं ऐसा नहीं होता है डीप डाउन आपको भी पता है इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें बट इसका मैं एक सॉल्यूशन दूंगी कि टाइम सब फिक्स कर देगा गॉड सब देखता है मेरे साथ भी होता है स्टार्टिंग डेज में मेरे को काफ़ी बुरा लगता था बट धीरे धीरे जब ऑडियंस ने मुझे जानना स्टार्ट किया उसके बाद काफ़ी प्यार भी मिला बट उस पॉइंट पे मुझे ये समझ आ गया कि आप स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि हेट जब मिलता था तो मुझे ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है हेट ही तो मिल रहा है मुझे जो करना है मैं करूँगी और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है मैं अपने हिसाब से देखूँगी वो लोग कौन होते हैं मेरे बारे में बोलेंगे और उनको जो सोचना है वो सोचते रहे बट जब सडनली सारी चीज़ें टर्न होगी टेबल टर्न होगी सब मुझे प्यार देने लगे ना उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा नहीं यार ऑडियंस का प्यार ज़रूरी है आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपको काम करने का मन करता है उनके लिए कुछ करने का मन करता है उस पॉइंट पे मुझे लगा कि प्यार भी जरूरी है बट आकृति आई थिंक आफ्टर सम टाइम ना एक थिक स्किन भी डेवलप हो जाएगा कि यू नो ये तो पार्ट एंड पार्सल है शी इज ऑलरेडी डेवलप्ड बट ऑडियंस ऑनेस्टली बताओ बहुत कुछ सिखाती भी है कुछ कुछ हमें भी पता है कि हम गलतियाँ करते हैं ऑडियंस जब आपको पोक करती है ना कि ये चीज़ गलत है तो मैं भी नेक्स्ट टाइम कहीं और जाके वो चीज़ें फिर से दोबारा ना करूँ बहुत सारी चीज़ें तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ऑडियंस से भी तो थैंक यू गाइस इतना प्यार देने के लिए साथ साथ हेट देने के लिए मैंने एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं हेट को कन्वर्ट कर दूंगी बहुत जल्दी एंड वो चीज़ पॉसिबल हुई और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये हम लड़कियों की आदत कब जाएगी ना दैट आई कैन फिक्स दिस ऑल्सो हम सब चीज़ फिक्स कर सकते हैं कुछ भी बोलते हो तो वी गिव यू अ सॉल्यूशन दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सो बैक टू योर क्वेश्चन से कि व्हेन देयर इज लव देयर इज आल्सो हेट एंड वन थिंग फॉर श्योर कि दिस इज अ जनरल आइडियोलॉजी कि व्हेन यू वेक अप डोंट चेक योर फोन राइट सिंपल वेक अप डू योर थिंग्स गेट बैक टू योर रूटीन एंड आई थिंक I've been on the less receiving side of hate. Okay. But when she was getting hate and I knew some episodes were a little bit hectic, I traveled all the way to Delhi just to make sure I was there with her, supported her a little bit and, you know, just be there. I think someone being there makes a big difference. Or to a time to about, I feel like you get, like you said, develop thick skin. Yeah. And once I realized that a lot of these comments were paid, once I realized a lot of these comments were kind of paid because same repetitive comments and one time at the blog at 3 a.m. I'm checking and I'm getting the same comments like from unknown faces, meaning there's no picture on the DP.
Correct. You just, I go to the comment section, just weird, and similar, very similar, and back to back. Oh. So then I realized, okay, some bots and some spam paid is happening. PRs, yeah. Paid PRs happening. And I was like, you chill, it's not that bad also. तो मेरे बैड फेस में जश ने तो मेरा बहुत साथ दिया था बट उस पॉइंट पे मैं ये समझ गई थी कि हेट को आप बोल रहे हो ना कैसे कैसे टैकल करें कैसे डील करें. बेस्ट पार्ट है कि बिजी हो जाओ आप ऑटोमेटिकली क्योंकि क्या होता था ना जब बीच में मेरे को काम मिलने लग गया था तो मैं पूरे दिन फ्री नहीं हो पाती थी तब मुझे पता ही नहीं चलता था कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मैं अपने काम को लेकर काफी खुश थी कि हाँ मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है. तो हाँ बिजी हो जाओ इफ अगर आपको लगता है चीज़ें आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करिए तो बिजी हो अपने पे ध्यान दो अपने पे काम करो. वंडरफुल. बट ये जो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो इतना ये सब जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना दूसरे लड़कों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है. बिफोर आई स्टार्ट अप विद अ क्विक सेगमेंट यहाँ पे कुछ फैंस के सवाल है क्विकली इफ यू कैन जस्ट आंसर दिस. शादी का प्लान? ओह माय गॉड क्वेश्चन मार्क. Okay. मेरा क्वेश्चन आकृति से है टू बी ऑनेस्ट अबाउट मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबैर. आई थिंक शी जस्ट आंसर्ड इट इन माय इंटरव्यू. ऑनेस्टली वो लोग सामने से बहुत खूबसूरत है बहुत स्मार्ट है. मतलब मैंने भी ऐसा बिलीव मतलब मैं सोच ही नहीं पाई थी कि इतने स्मार्ट. एक्सक्यूज मी मतलब वैसे नहीं कह रही हूँ बस बता रही हूँ कि वो सच में बहुत स्मार्ट है. सेम रिएक्शन मुझे भी चाहिए ठीक है. सेम रिएक्शन चाहिए मुझे. आपसे अच्छा कोई नहीं है जश आप क्या बात कर रहे हो. बोलने के बाद ही आ रहा है पहले नहीं. ऑडियंस को भी पता है प्लीज. अभी आज मैं कहीं गई थी और वहां सब पागल है जश के लिए. मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ. शो में भले ही मुझे जितना भी पॉपुलैरिटी फेमस फेम वगैरह मिला हो बट जश को शो से बहुत प्यार मिला है. ऑनेस्टली बहुत प्यार मिला है. लोग मुझे धक्का देके इससे फोटो खिंचाने आते हैं. बहुत प्यार कमाया है. व्हाट वुड योर ड्रीम प्रपोजल लुक लाइक? Wow, good question. Something intimate and private, and very romantic with a lot of candles and roses and all of that. The whole jazz is such a dream proposal. Agree. Yashwant, are you Akriti's puppet? Because that's what it looked like. Okay, this might be one of the contestants' fans. As far as I know, I've received a lot of love, and jo bhi ye bol rahe, I think it's just the fans of certain contestants. Spitting it out. I don't think I'm a puppet. I think that I had a lot of, impact on certain decisions, and she herself knows it. And if I was a puppet, I don't think such a strong woman would be with me. Lastly, do you ever think that this relationship will stay even after the show? Yes. Hey. Haan, of course. Isme koi shak hai kya? Log jo hum pe क्वेश्चंस उठा रहे थे वो बोल रहे कि इसका टूट जाएगा उसका टूट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस है और वो लोग बोलते बोलते खुद ही छोड़ो इनको यार. द ओल्ड न्यूज़. हाय दिस इज जशवंत एंड दिस इज आकृति एंड यू आर वाचिंग अस ऑन इंडिया फोरम्स.